लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। 75th इंडिपेंडेंस डे की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारी टीम ये कामना करती है कि इस वर्ष आप जो जॉब के सर्च में हैं, जो जॉब की आपकी यात्रा है वो आपकी पूर्ण हो। हमारी टीम भी आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑफर लेकर आई है। यदि आप इलाइट स्टडी कोरोटेन वेबसाइट पर विजिट करते हैं तो यहाँ पर आपको एक कूपन कोड जारी किया गया है आज़ादी के इस अमृत महोत्सव पर। ये सिर्फ 3 दिन तक की वैलिड रहेगा, 18 अगस्त 2022 तक। आपको क्या करना है, ऑलरेडी हमारी बुक्स के ऊपर 5 से 10% का यहाँ पर डिस्काउंट चल रहा है। यदि आप साथ में इस कूपन का इस्तेमाल करते हैं, आपको वहाँ पर लिखना है इलाइट 15। जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे उसके बाद नीचे कूपन कोड की ऑप्शन आएगी, वहां पे आप टाइप कीजिएगा इलाइट 15। आप इसे कैपिटल या स्मॉल लेटर में किसी भी लेटर्स में लिख सकते हैं। उसके बाद 15% और किताबों के रेट गिर जाएंगे और आपको अप्रोक्सीमेटली 25 से 30% तक ऑफर आप गेन कर सकते हैं। तो आप इस ऑफर का लाभ उठाइएगा, क्योंकि आपके पास यदि अच्छे दोस्त और अच्छी किताबें होंगी तो आपको मंजिल बहुत ही जल्दी मिल सकती है। इसको अवेल करने के लिए इलाइट स्टडी कोरोटेन वेबसाइट को विजिट कीजिएगा। अब हम यहाँ पे डिस्कशन करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए हैं। यहाँ पे आपको सबसे पहले अपडेट कर दें, वेलनेस सेंटरों के लिए स्टाफ नर्सों के 152 पद और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के 76 पद अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय हिमाचल प्रदेश सरकार की कैबिनेट मीटिंग द्वारा लिया गया है। साथ में ही राज्य में 76 मॉडल हेल्थ वेलनेस सेंटर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र विकसित करने की भी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मंजूरी दी है। इसके अतिरिक्त किन्नौर की पूह तहसील के अंतर्गत स्पिलों में पटवार वृत्त खोला गया है। बिलासपुर की सदर तहसील के सिकरोह में पटवार वृत्त सृजित किया गया है। मंडी की चचेट तहसील के अंतर्गत केलोधार में कानूनगो वृत्त सृजित किया जाएगा। राज्य निर्वाचन विभाग में निर्वाचन कानूनगो के 10 पदों को अनुबंध आधार पर भरने का निर्णय भी हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है। आप देख रहे होंगे 3 जगह पर हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कानूनगो वृत्त सृज के खोलने का निर्णय लिया गया है। तो यहाँ पे भी देखिए कुछ पटवारियों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे हमारी टीम आपको बार बार अपडेट कर रही है कि बहुत से पटवारियों की वैकेंसीज खाली चल रही है हिमाचल प्रदेश में, और सरकार ने भी प्लानिंग किया है कि अगले 2 वर्ष तक जितनी वैकेंसीज खाली हो सकती है उनके लिए जो ट्रेनिंग बैच बैठता है तो उसके लिए भी कुछ समय में आपको न्यूज मिल सकती है। लेकिन आपको अपनी तैयारी को अभी से करना होगा। हमारी टीम आपको बार बार एडवाइस करती है कि अपनी तैयारी को आप अच्छे से रखिएगा। सरकार की वैकेंसीज तो हर सेक्टर में हमें निकलती हुई दिख ही रही है। आगे बात करेंगे तो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कांगड़ा के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला भाली तथा सोलदा में विज्ञान की कक्षाएं नॉन मेडिकल में शुरू की जाएगी। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अमनी तथा त्रिलोकपुर में वाणिज्य कक्षाएं आरंभ की जाएगी। इन स्कूलों में विभिन्न श्रेणियों के 11 पदों को भी भरने का निर्णय लिया गया है। मनाली विधानसभा क्षेत्र के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गोसाल जगतसुख और नाथन में वाणिज्य कक्षाएं आरंभ करने सहित प्रवक्ताओं के 7 पद भरे जाएंगे। उन्ना की राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कद में वाणिज्य कक्षाएं आरंभ करने और 3 पदों को भी भरा जाएगा। तो इस हिसाब से आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए शिक्षकों के भी कुछ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग में सरकार वैकेंसीज निकाल रही है उसमें और भी कुछ पद यहाँ पे सम्मिलित होने वाले हैं, जिसमें लेक्चरर्स के पद आपको देखने को मिलेंगे, TGT नॉन मेडिकल, मेडिकल और TGT आर्ट्स, LT लैंग्वेज टीचर इत्यादि के विभिन्न तरह के पदों पर कुछ ही दिनों में एक एडवर्टीजमेंट हिमाचल प्रदेश सरकार की तरफ से आने वाली है, जिसकी भर्ती हिमाचल प्रदेश स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हमीरपुर के माध्यम से होगी। आगे भी बात की जाए तो कुल्लू के नागरिक अस्पताल बंजार को 100 बिस्तर क्षमता के नागरिक अस्पताल में सत्रोन्नत करने सहित यहां विभिन्न श्रेणियों के 35 पदों को भरा जाएगा। मंडी में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य केंद्र पुराना बाजार तहसील सुंदरनगर को 10 बिस्तर क्षमता के आयुर्वेदिक अस्पताल में सत्रोन्नत करने सहित यहां पर विभिन्न श्रेणियों के 10 पद भरे जाएंगे। और इसके अलावा राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय चंबा में PWD के 2 नए अनुभाग सिविल एवं विद्युत सृजित करने सहित यहां पर भी आवश्यक पदों को भरा जाएगा। तो आप देख लीजिए हेल्थ डिपार्टमेंट की बात कर लीजिए या फिर आप किसी और डिपार्टमेंट की बात कर लीजिए, हर बार हिमाचल प्रदेश सरकार विभिन्न तरह के पदों को भरने की नियमित रूप से घोषणाएं कर रही है।
आगे बढ़ते हैं तो अगली श्रेणी में यहाँ पे युवा सेवाएं एवं खेल विभाग के तहत खिलाड़ियों को प्रदान किए जाने वाले दैनिक भत्ते को राज्य के भीतर वर्तमान में दिए जाने वाले 120 रुपये से बढ़ाकर 240 रुपये प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी और राज्य के बाहर 200 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये प्रतिदिन प्रति खिलाड़ी किया जाएगा। कांगड़ा के प्रारंभिक शिक्षा खंड पालमपुर नगरोटा बंगमा और बवारना को विभाजित कर धीरा में नया प्रारंभिक शिक्षा खंड खोलने के लिए भी कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। कांगड़ा के डाडासिबा में नया विकासखंड कार्यालय खोलने सहित यहां विभिन्न श्रेणियों के 14 पदों को भरा जाएगा। सोलन के अंतर्गत पट्टा में नया विकासखंड कार्यालय खोलने तथा यहां विभिन्न श्रेणियों के 14 पदों को भरने का निर्णय भी लिया गया है। तो देखिए, नियमित रूप से हिमाचल प्रदेश सरकार की विभिन्न तरह के पदों को भरने की प्रक्रिया जारी है और आप भी अपनी तैयारी को तेज़ कर दीजिएगा। जिन 14 जिन इलाइट स्टडी की किताबों के ऊपर आपको डिस्काउंट मिलेगा उन किताबों से आपको परिचित करवा दें। देखिए, ऑलरेडी 8 से 10% डिस्काउंट चल रहा है। 15% डिस्काउंट आपको स्पेशल इंडिपेंडेंट डे के ऊपर अनाउंस किया गया है इलाइट स्टडी टीम के द्वारा। तो आप देखिए, GOIT की तृतीय एडिशन के साथ में बहुत ही बेहतरीन किताब है जिसका हिंदी संस्करण भी लॉन्च कर दिया गया है। द्वितीय संस्करण हिंदी में है, तृतीय आपको इसका इंग्लिश वर्जन में मिलेगा। काफी सक्सेसफुल किताब है इलाइट स्टडी प्लेटफॉर्म की। हिमाचल प्रदेश सचिवालय में काफी लंबे समय के बाद क्लर्कों की परीक्षा होने जा रही है, इसके लिए भी इलाइट स्टडी टीम की ओल्ड क्वेश्चन पेपर कम जितना भी इसका सिलेबस है सारा का सारा बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार किया गया, इसका भी आप लोग लाभ उठा सकते हैं। कॉलेज कैडर के अभ्यर्थियों के लिए बता दें, राजनीति विज्ञान और इतिहास के ऊपर इलाइट स्टडी टीम की संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में 2 किताबें लॉन्च की गई है, इनका भी आप लोग लाभ उठाइएगा। हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरी चाहिए तो आपको हिमाचल प्रदेश का सामान्य ज्ञान मजबूत करना होगा और सामान्य ज्ञान का आपका स्रोत ऐसा हो जिसमें कुछ पिछले प्रश्न भी हो, आने वाले प्रश्नों की संभावित सूची भी हो और कंसाइज और नोट्स की फॉर्म में हो, इस जरूरत को पूरा किया गया है। इलाइट स्टडी टीम के ऑथर KS ठाकुर सर का हिंदी वर्जन और डॉक्टर राकेश शर्मा सर का इसमें इंग्लिश वर्जन है, दोनों बहुत ही बेहतरीन किताबें हैं। एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा अपने नजदीकी शॉपकीपर के पास या फिर इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट से भी आप प्राप्त कर सकते हो। हिमाचल प्रदेश में किसी भी तरह की परीक्षा में आप बैठ जाइएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार का बजट इकोनॉमिक सर्वे और केंद्र सरकार का भी बजट तथा इकोनॉमिक सर्वे से बहुत से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, तो इसके संक्षिप्त नोट्स की फॉर्म में हमारी टीम के द्वारा ये किताब तैयार की गई है। ये हिंदी वर्जन में है और यहाँ पे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे ये इसका इंग्लिश वर्जन है। दोनों किताबें आपके लिए काफ़ी लाभान्वित साबित होने वाली है। पिछले 6 महीने के करंट अफेयर्स भी आप इलाइट स्टडी कोरोटिन वेबसाइट से प्राप्त कर सकते हैं और इसके साथ में इसका अंग्रेजी और हिंदी दोनों वर्जन में ये भी अवेलेबल है। हिमाचल प्रदेश में HS और नायब तहसीलदार की तिथियां निर्धारित हो चुकी है। कुछ ही समय में अलाइड सर्विसेज सब इंस्पेक्टर इत्यादि की वैकेंसीज भी सरकार एडवर्टाइज करने वाली है। इन परीक्षाओं की तैयारी कैसे करें, आपका पहला स्टेप क्या हो, इस जरूरत को हमारी टीम पूरा करती है। सबसे पहले आपको इन परीक्षाओं के ओल्ड क्वेश्चन पेपर पढ़ने हैं, ये इसलिए आपको पढ़ने होंगे, यहीं से आप समझ पाएंगे इंडियन हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी जियोग्राफी जनरल साइंस करंट अफेयर्स की क्या तवज्जो किस एग्जाम में रहती है, किस तरह के प्रश्न एग्जामिनर पूछना चाहता है, क्या ट्रेंड पिछले 5-7 वर्षों से चला हुआ है। यही आपकी मदद करेंगे। यदि आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग हो जाएगी तो निश्चित तौर पर आप हिमाचल प्रदेश की प्रतिष्ठित सरकारी नौकरियों के लिए भी अपनी दावेदारी दे सकते हैं। तो किताब अंग्रेजी और हिंदी दोनों माध्यम में अवेलेबल है जो कि आपकी तैयारी को एक नई रूपरेखा दे सकती है। किसी भी एग्जाम में आप बैठ जाइएगा, महात्मा गांधी से निश्चित तौर पे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप अपनी स्क्रीन पे जिस किताब को देख रहे होंगे ये महात्मा गांधी से संबंधित है। TGT आर्ट्स मेडिकल नॉन मेडिकल का भी कमीशन की एडवर्टीजमेंट कभी भी पब्लिश हो सकती है, तो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश TGT नॉन मेडिकल कमीशन की किताब। आप इस किताब के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। इसी श्रेणी में हम आपको यहाँ पे अपडेट कर दें, इलाइट स्टडी टीम के द्वारा TGT आर्ट्स की किताब भी तैयार की गई है जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। मेडिकल, उसके बाद लैंग्वेज टीचर और शास्त्री की किताब आपको कुछ दिनों में हमारी टीम अवेलेबल करवाएगी। तो पुनः आप इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रख लीजिए, जो 15% का डिस्काउंट चल रहा है, अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा। जिन लोगों के पास अच्छी किताबें और अच्छे दोस्त होते हैं उन्हीं का नाम अंतिम चयन वाली जो PDF जारी होती है उसमें भी आता है, तो आप भी अपना नाम वहां पे सुनिश्चित कीजिए इलाइट स्टडी टीम की बुक्स के साथ में। फ्लैट डिस्काउंट आप ले सकते हैं 15%। सिंपली आपको क्या करना है, ऑर्डर करने के बाद कूपन कोड की जगह पे elite15 टाइप कीजिएगा और अवेल कीजिए 25 से 30% का डिस्काउंट। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग इलाइट स्टडी।
यूट्यूब चैनल।